लुधियाना के चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल कॉमर्स अंडरटेकिंग की तरफ से प्रधान उपकार सिंह आहूजा की अगुवाई में प्रेस वार्ता का आयोजन स्थानीय होटल में हुआ। उन्होंने चिंता जताई और कहा कि अगर इसी तरह स्टील के रेट बढ़ते रहे तो एक दिन ऐसा होगा जिससे छोटी इंडस्ट्री जो कि MSME के अंतर्गत है वो बंद होने की कगार पर आ जाएगी। और इस इंडस्ट्रीज में करीबन 11 करोड़ एम्प्लॉयज काम करते हैं और अगर छोटी इंडस्ट्रीज बंद होती हैं तो करीबन 50% एम्प्लॉय बेरोजगार हो सकता है, जिस पे सरकार को जल्द ही कदम उठाना चाहिए। संवाददाता अजय पहावा की रिपोर्ट। जिहड़ी अज दी जिहड़ी मीटिंग असीं रखी गई है क्योंकि स्टील दे रेट बहुत ज़्यादा वध गए है, 45% दे करीब वध गए है। इस तो अलावा प्लास्टिक दे रेट वध गए है और जिन्नियां भी कमोडिटीज़ है सब दे रेट वध गए है। अज असीं इह प्रैस कॉन्फ्रेंस दे थ्रू सरकार नूं बेनती कीती है कि जल्दी तो जल्दी इन्हां नूं कंट्रोल किया जाए, नहीं तो MSME बंद हो जाएगी। MSME कोई 11 करोड़ के करीब इंप्लाई है, जो 50% भी बंद होती है तो 5 करोड़ बंदा वेला हो जाएगा, जिहड़ा कि मतलब कंट्री लई चंगी गल नहीं। और असीं सरकार नूं इह कहा भी एक तो स्टील की जिहड़ी एक्सपोर्ट है और आयरन ओर की एक्सपोर्ट है बंद की जाए, जिहड़ी इंपोर्ट है स्टील की उहनूं ड्यूटी फ्री किया जाए, और जिहड़ी कार्टलाइजेशन स्टील की हो रही है और स्टील की प्रोडक्शन घटाई जा रही है उहदे ते चैक लगाया जाए। नहीं, कोटे तो अलावा स्टील की अवेलेबिलिटी ईजी की जानी चाहिए है ताकि सानू जिदा कि पहला स्टील मिलता सीगा उस तरह स्टील ईजीली मिले और असी अपना काम सही तरीके नाल कर सकिए और अपने आर्डर भुगता सके। जिस तरह तुम कहना भी एक्सपोर्ट में लोग पहल देंगे पहल देंगी है इंडस्ट्री इंटरनेशनली रेट वध रहा है, पर जे स्टील असी समझो भी 50 रुपए तो लैके 60 रुपए किलो दे विच है और जेड़ा असी बनिया माल वेचते हैं उहदे च वैल्यू एडिशन है और 200 रुपए तो लैके 350 रुपए किलो तक विकदा और उहदे नाल बहुत लोगों को रुजगार मिलता है, ट्रांसपोर्ट को रुजगार मिलता है, कामियां नूं रुजगार मिलता है, इस तो अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री नूं काम मिलता है और उहदे नाल वैल्यू एडिशन ज्यादा है, उहदी एक्सपोर्ट का सरकार नूं ज्यादा फायदा है ना के स्टील एक्सपोर्ट करन दा फायदा या आयरन ओर दा फायदा। असीं यही कहने हैं भी बने हुए प्रोडक्ट क्योंकि जिहड़ा इंडिया है वो एक पापुलेटेड कंट्री है। दी जिहड़ी जिम्मेदारी है सरकार उपर रोजी रोटी प्रोवाइड करन दी और उन्हां दी अनइंप्लॉयमेंट दी और इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करन दी जिम्मेदारी सरकार दी। एक परिवार दा कब्जा हैगा, लगदे हो कि कितना कितने मलोकी होण करके जिहड़े स्टील दे प्राइसिस आ उह लगातार वधदे जांदे। असीं किसी एक परिवार बारे नहीं असीं गल करदे, असीं सरकार नूं पॉलिसी अमेंड करन दी गल करदे हां ताकि उह किसी भी एक सैक्टर नूं किसी एक सैक्शन ऑफ सोसाइटी नूं ना इंपैक्ट करे और पूरी इकोनॉमी नूं पूरे इंडस्ट्री सैक्टर नूं उहदा फायदा पहुंचे, स्पैशली MSME नूं जिहनूं कि CSU रिप्रजेंट करदा। साडी MSME इज बैकबोन ऑफ अवर इकोनॉमी, उहनूं सपोर्ट अगर सरकार नहीं करेगी तो अपने आप दे विल डाई अ नेचुरल डेथ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टील प्राइसिस ओनली, असीं गल करदे हां पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, रबर की और होर मेटल्स भी, ईवन जिहड़े प्लास्टिक है सारिआं दी जिहड़ी प्राइसिस है वह 15 तो लैके 35-40% तक इनक्रीज हुई है। तो जिहड़ी इंडस्ट्री दे विच एक स्टील नहीं लगता उस प्लास्टिक रबड़ होर बाकी चीज़ां लगदियां, प्लेटिंग होंदी है, प्लेटिंग का जिदा मैं जिक्र किया, कॉपर के रेट वध गए और निकल के रेट वध गए, वह सारिआं दे जिहड़े इंपैक्ट है उहदा पैंदा है और मैनुफैक्चरिंग जिहड़ी कॉस्ट है वह वध जांदी है, जदों वध जांदी है तो वी आर नॉट एबल टू कंपीट। वाइस प्रेजिडेंट ऑफ CISU आज जो अपना यहाँ पे मीटिंग थी वो रिगार्डिंग हाइक प्राइस इन रॉ मटेरियल प्लास्टिक आयरन एंड स्टील, आपने देखा है कोरोना पीरियड के बाद इमीडिएटली 30-40% रॉ मटेरियल प्राइस हाई हुई है जो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बैड पीरियड चल रहा है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से यही उम्मीद करेंगे कि रॉ मटेरियल की प्राइस जल्दी से जल्दी कम हो ताकि इंडस्ट्री मूव कर सके। जैसे कोरोना जी महामारी के बीच में कहना बहुत नुकसान हुआ इंडस्ट्री का, तो आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हो? नहीं, गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहेंगे सर, जो रॉ मटेरियल की जो इंडस्ट्री है उनको बूस्ट किया जाए और जो एक्सपोर्ट जो रॉ मटेरियल हो रहा है जैसे चाइनीज एंड अदर कंट्री यूरोपियन कंट्री में उसको रोका जाए ताकि सारा रॉ मटेरियल इंडिया में यूज हो सके। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन